ये डब्बा, ये बोतल, आज मैं आपको वो 10 चीजें बताऊंगी, अगर आप रसोई में उनको इस्तेमाल करते हैं और आज ही नहीं उठाकर फेंकेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको धीरे धीरे लग जाएंगी। सबसे पहले है ये नॉनस्टिक तवा, जिसको हम नॉनस्टिक बोलते हैं। इसके ऊपर इस पे जो केमिकल होता है टेफ्लॉन का, वो धीरे धीरे आपके खाने में अंदर जाता है। इसकी जगह पे आप यूज करेंगे एक लोहे का तवा। लोहे के तवे के दो फायदे हैं, एक आपको आयरन मिलेगा, और इसको नॉनस्टिक यदि बनाना है तो एक बार तेल डालकर और फिर तेल को खाली करेंगे तो ये नॉनस्टिक, नॉर्मल तवा नॉनस्टिक बन जाएगा। तो आज ही करिए नॉनस्टिक बर्तनों को कूड़े में। उसके बाद हम सब खुशी से इस्तेमाल करते हैं ये तेल, जिसको बोलते हैं रिफाइंड ऑयल। आज तक पहले हमने कभी यूज नहीं सोचा था कि रिफाइंड ऑयल बनेगा। रिफाइंड ऑयल 600 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और इसमें हेक्सिनॉल नाम का केमिकल डाला जाता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, पीसीओडी की, वो इस रिफाइंड ऑयल की वजह से। इसकी जगह पे आप यूज करेंगे कच्ची घानी का तेल। कच्ची घानी सिर्फ कहना नहीं है, इसको कोल्ड प्रेस कहते हैं, कि सिर्फ सरसों के बीज को दबाकर जो तेल निकाला जाता है, ना इसको गर्म किया जाता है, सिर्फ रगड़ के निकाला जाता है, वो तेल इस्तेमाल करेंगे। या फिर आप यूज कर सकते हैं देसी घी। देसी घी आप थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। तेल चाहे सरसों का है चाहे देसी घी है, अगर आपके घर में मोटापा है, आप 4 लोगों की सब्जी बनाती हैं, तो 2 ही छोटे चम्मच कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद बनाएंगे किस बर्तन में, हम यूज करते हैं ये अल्युमिनियम की कढ़ाई, ये अल्युमिनियम का पैन खाने के लिए, बहुत वर्षों से कर रहे हैं। अब अल्युमिनियम बताया गया है कि क्या करता है, ये हमारे दिमाग को खत्म कर देता है। इसकी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे स्टील के बर्तन, या हम यूज कर सकते हैं कांच के बर्तन। हम मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के जो बर्तन हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि उनके ऊपर इनामल का पेंट नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी के अगर बर्तन आपको इस्तेमाल करने हैं तो आप कच्ची मिट्टी वाले बर्तन ही इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी अलमारियां भरी पड़ी हैं प्लास्टिक के सामान से। प्लास्टिक के डिब्बों में हम अपनी दालें, सब्जियां सब रखते हैं। ये जितने प्लास्टिक के डब्बे हैं, ये हैं हमारे, इनमें एक केमिकल होता है बायोफिनॉल, जो इसके सब्जी के अंदर चला जाता है और ये हमारा नुकसान करता है, हमारे शरीर में कैंसर कॉज करता है, लिवर की डिजीजेस, किडनी की डिजीजेस करती हैं। और बच्चों को हम अपने जानलेवा डब्बे में खाना पैक करके देते हैं। इन डिब्बों में, प्लास्टिक में, खासकर इन डिब्बों के ऊपर बहुत सारी मोहरें लगी होती हैं, ये सेफ है, वो सेफ है, कहने की बात है, ये प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है। इसकी जगह पे आप स्टील का बर्तन लेंगे, जो अंदर से स्टील का है, बाहर प्लास्टिक का है और कवर्ड है, इससे आप बच्चा खाना गर्म भी रहेगा। और ऐसे ही घर में भी जब आप प्लास्टिक की जगह पे आप स्टील के बर्तन, जो अंदर से स्टील का हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप कांच का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बर्तनों में जब आप यूज करना चाहते हैं, चाहे वो आपको माइक्रोवेव में यूज करना है, चाहे आपको वो ओवन में यूज करना है। इसके बाद जो चौथी चीज है वो है मैदा। मैदा पीसीओडी, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, सबके लिए मैदा रिस्पॉन्सिबल है। जिस भी खाने में मैदा है वो आप फेंक दीजिए। इसके बाद चीनी है। हर सुबह हम चाय पीते हैं चीनी के साथ, ये चीनी जो है सब बीमारियों का कारण है। आप चीनी छोड़ेंगे, पतले हो जाएंगे, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, घुटनों में दर्द ठीक हो जाएगी, आपकी पीसीओडी ठीक हो जाएगी, इस चीनी को फेंकिए। अगर आप मीठा कुछ चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप केवल मिश्री इस्तेमाल करिए, थोड़ी मिश्री पिसी हुई खुद पीसेंगे। और दूसरा आप यूज कर सकते हैं पिसी हुई किशमिश। ये जितना भी मीठा है इसको कम मात्रा में लें, लेकिन चीनी कतई ना लें। इसके अलावा हम जो पानी की बोतलें हैं, पानी हमारे लिए अमृत है, हमारी 90% बॉडी हमारा पानी है, हम इस्तेमाल करते हैं आरओ। आरओ में जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड होते हैं वो कम से कम 250 से 300 होने चाहिए, लेकिन ये कई बार आरओ हम अपना मीटर से चेक नहीं कराते, बहुत कम टीडीएस होता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द, आपको थायराइड की प्रॉब्लम, जिंक की डेफिशिएंसी, ये सारी प्रॉब्लम्स
होनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज जो 84 टाइप्स के मिनरल्स हमें पानी से मिलते हैं वो हमारे मिस हो जाते हैं। और इनको भी प्लास्टिक की बोतल में पानी मत रखिए, आप पानी रखें तो सिर्फ ग्लास के बोतल में। एक चीज जो हम आज गर्मियों में हर घर में मिलेगी वो है बर्फ। ये जो बर्फ है ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है। इसकी वजह से आपको पेट में जलन, गैस, डाइजेशन में प्रॉब्लम, आपके दिमाग, आपके हार्ट पे भी असर करती है, आपका हार्ट रेट स्लो कर देती है। इसके अलावा ये आपको साइनस की प्रॉब्लम देती है, और अगर आप मोटापा है तो आपको पतला नहीं होने देती, ये मोटापा बढ़ाती है। इसकी जगह पे आप एक कच्चे घड़े के पानी को पीजिए, इसमें आपको मिनरल्स, मिट्टी से जो गुण है वो मिलेंगे, प्लस आप अपना जो फिल्टर्ड वाटर है वो आप घड़े में रख सकते हैं। फिल्टर में आप आरओ वही लीजिए जिसमें टीडीएस ज़्यादा हो, और इस पानी को ही आप पिए, ठंडे पानी को बिल्कुल मत पीजिए। इसके बाद जो हमारी दसवीं चीज और लास्ट चीज है वो है ये फॉयल्स। सुंदर लगते हैं खाने इसमें लपेटे हुए, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। इसमें PCOD का सबसे बड़ा कारण ये अल्यूमिनियम है। इसमें से अल्यूमिनियम खाने में डायरेक्टली जाता है, आपको जिंक की डेफिशिएंसी होती है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, आपके दिमाग पे असर करता है, आपका दिमाग कम काम करता है, आपकी याददाश्त खराब करता है। अल्यूमिनियम फॉइल को कतई ही इसको डस्टबिन में डालिए। इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं बटर पेपर। ये कागज होता है और इसके पीछे हल्की सी प्लास्टिक की लेयर होती है। ये काइंड ऑफ सेमी वाटरप्रूफ होता है, लेकिन इसमें जो अल्मीनियम की प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। बेस्ट तो वैसे कपड़ा रहता है, अगर जो हमारे घर के पुराने टाइम के छल्ले हुआ करते थे वो बेस्ट हैं हमारी रोटी को लपेटने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ ये कागज़ इस्तेमाल करेंगे। यही जो 10 चीज़ें हैं अगर आज अपनी रसोई में से आप निकाल देते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ इनसे बचाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप डस्टबिन में डाल दें, आज ही अपनी रसोई में से निकाल दें, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो धीरे धीरे बननी शुरू होती हैं और वो आप खुद पैदा करते हैं बिकॉज आप खाते इस तरीके से, इन बर्तनों में खाते हैं, उन सब से आप बच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये इंफॉर्मेशन फैलाइए और उनकी सेहत इम्प्रूव करिए। करनाल प्लस के माध्यम से मैं डॉक्टर सोनम करनाल से।